ओके सर, इस वाले वीडियो में कंपेयर करेंगे। मेरे पास है पोको X6 प्रो एंड पोको का X6 जो इसका छोटा भाई है। एंड अगर दोनों में से कंफ्यूजन है कौन सा लेने की सोच रहे हैं, वैसे इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है वो अच्छा खासा रखा गया है एंड जो फीचर्स भी है वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टिंक्टिव देखने के लिए मिलता है। तो आपको इन दोनों में तो एटलीस्ट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, छोटा सा वीडियो रहने वाला है। देखिए, बिल्ड क्वालिटी दोनों का ठीक ठाक प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। ये यहाँ पर आपको पोको X6 प्रो में वीगन लेदर वाला एक एडिशन देखने के लिए मिल जाता है। वैसे नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो दिखने में ये जो स्नो वाइट वेरियंट है पोको X6 का वो ज्यादा प्रीमियम लगता है, विद जो बेजललेस वाला जो डिस्प्ले है इसका, एंड ये भी बेजललेस डिस्प्ले के साथ आता है, ऐसा नहीं है। बट इसका जो मार्वल फिनिश वाला जो व्हाइट कलर है ना, वो थोड़ा सा स्टैंड आउट ज्यादा कर लेता है। एंड इसका जो कैमरा बम्प है, जो कैमरा मॉडल है, पोको X6 में मुझे बेटर लगा। पोको X6 प्रो का कैमरा मॉडल बहुत ही ज्यादा जो है एवरेज वाला देखने के लिए मिलता है, मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आया। बिल्ड क्वालिटी तो दोनों का ही ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, बट डिजाइन में आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। डिस्प्ले का बता देता हूँ, डिस्प्ले का जो स्पेक्स है ना वो दोनों में सिमिलर देखने के लिए मिलता है। बट जो इसका छोटा भाई है पोको X6 जो है, वहाँ पर थोड़ा सा एज है। यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, रादर देन जो पोको X6 प्रो जो बड़ा भाई है वहाँ पर आपको ओनली गोरिल्ला ग्लास 5 देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर यही जो है अलग देखने के लिए मिलता है। बाकी जो सारे स्पेक्स है, जैसा कि 6.67 इंच का 12 बिट एमोलेड डिस्प्ले, 1.5K के रेजोल्यूशन के साथ, HDR10+ certified, डॉल्बी विजन सर्टिफाइड, 1800 nits का पीक ब्राइटनेस, नॉर्मल जो ग्लोबल ब्राइटनेस है दोनों में 1200 nits का देखने के लिए मिलता है। बाकी थोड़ा सा फर्क आता है सर्टिफिकेशन में। जैसे नेटफ्लिक्स में जाएंगे तो HDR10+ का डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन पोको X6 प्रो में देखने के लिए मिलता है। पोको X6 में ओनली डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जो पोको X6 है अभी भी जो है YouTube में जो है 4K HDR वीडियोस नहीं चला पाता है। 4K वीडियो चला पाता है बट HDR वीडियोस नहीं चलती है। पोको X6 प्रो में 4K 60fps HDR वीडियोस चलती है बट वो अटक अटक के चलती है। तो यही जो है डिस्प्ले में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, तो उसमें आपको दोनों में डिस्प्ले क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही बहुत अच्छे पैनल्स आपको मिल जाते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी भी मैंने कहा कि दोनों का ही बहुत सही देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा का आप सोच रहे हैं कि कैमरा में अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा पैसा देकर पोको X6 प्रो लेता हूं तो क्या कैमरा मुझे अच्छा देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों में ही बहुत ज्यादा एवरेज कैमराज देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा सा पोको X6 प्रो का परफॉर्मेंस, जो रियर कैमरा मेन सेंसर है, वो थोड़ा सा मुझे बेटर लगा है, बट वो भी एवरेज ही है। अल्ट्रा वाइड भी एवरेज देखने के लिए मिलता है। दोनों में जो नाइट मोड है वो भी बहुत ही ज्यादा बेसिक बिलो एवरेज आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। फ्रंट कैमरा में एटलीस्ट जो X6 प्रो है वहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में HDR चल जाती है, बट X6 में तो वो भी नहीं चलता है। तो फ्रंट कैमरा में भी दोनों का ही मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, एवरेज ही लगा। एंड रियर कैमरा में भी दोनों ही एवरेज परफॉर्म करते हैं, नाइट मोड में बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्म करते हैं। जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज है वो भी एवरेज ही देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में नहीं कर पाएंगे एंड रियर कैमरा भी वही डिसेंट सा देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा में दोनों ही एवरेज है। तो अगर सोच रहे हो कि ज्यादा पैसा लगाने से पोको X6 प्रो में बेटर कैमरा मिलेगा, तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। छोटे मोटे और फीचर्स के अगर बारे में बताऊं तो 5G के सारे बैंड दोनों में मिल जाते हैं। दोनों में 5G कैपेबिलिटीज अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, अच्छी खासी डाउनलोड अपलोड स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों में MIUI डायलर मिलता है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। वैसे मोशन से सेंस होता है तो उसमें ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं आई, बट जिनको चाहिए उनको चाहिए। डुअल स्टीरियो स्पीकर दोनों में अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। हैप्टिक फीडबैक दोनों में ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, तो वहां पर भी डिफरेंस नहीं है। 5000 mAh की बैटरी दोनों में देखने के लिए मिल जाती है। पोको X6 में 5100 का है, बट दोनों ही पूरा दिन का बैटरी निकाल के देते हैं। दोनों में 120fps धड़ाके से चलता है। सारे ऐप्स को वो 120fps तक पुश कर सकता है। सॉफ्टवेयर में जाके आप वो अचीव कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अलग है, जहां पर ये हाइपर OS के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड एंड्रॉइड 14 के साथ। ये एंड्रॉइड 13 के साथ आया है MIUI 14 के साथ। अब दोनों में ही 3+4 ईयर का अपडेट प्रॉमिस किया है, तो ये एंड्रॉइड 17 तक जाएगा एंड ये एंड्रॉइड 16 तक जाएगा। एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस दोनों को मैंने यूज किया, दोनों में ब्लूटूथ मिल जाते हैं, बट मुझे हाइपर OS का परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा लगा है। इसमें हाइपर OS बहुत जल्दी आने वाला है, बट मुझे लगता है कि मार्च में आ जाएगा। अगर जल्दी आता है तो अच्छा है। अभी पोको X6 प्रो में आपको हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, बट पोको X6 में आपको हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको पोको X6 में स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 5 लाख 5.5 लाख का N22 में स्कोर करता है। एंड आप स्कोर्स वगैरह एंड CPU थ्रॉटलिंग रिजल्ट्स भी देख सकते हो। बट जो पोको X6 प्रो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के थोड़ा सा आसपास है। एंड अगर 8+ Gen 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो जो GPU है वो 8300 का ज्यादा पावरफुल देखने के लिए मिलता है। CPU के मामले में थोड़ा सा ऊपर नीचे दोनों में देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है एंड ये 90fps PUBG करवा देता है, बट HDR में एक्सट्रीम का अभी ऑप्शन नहीं आया है। बट पोको X6 में आपको HDR एक्सट्रीम जो है अनलॉक देखने के लिए मिल जाता है, बट वहां पर भी दिक्कत है। जैसे गेम प्ले करोगे तो बहुत जल्दी फ्रेम ड्रॉप लैग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हीट होगा फिर थ्रॉटल होता है एंड परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। जैसे आप फिर स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स में खेलोगे तो वहां पर ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म जैसा गेम खेलोगे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जैसे खेलोगे तो फिर वहां पर भी थोड़ा सा आपको जो है फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए तो मिल जाते हैं। बट ये प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन है, जहां पर ये लॉन्ग टर्म गेमिंग में भी थ्रॉटल बिल्कुल भी नहीं करता है। हीटिंग इशू भी यहां पर लॉन्ग टर्म गेमिंग में देखने के लिए नहीं मिली है, तो ये लॉन्ग टर्म गेमिंग में अच्छा परफॉर्म करता है। 90fps का चिपक के तो नहीं देता है, फ्रेम्स कभी कभी 80 तक भी ड्रॉप कर जाते हैं, बट जैसे आप अगर स्मूथ एक्सट्रीम में खेल रहे तो 60fps तो आपको चिपक के देखने के लिए मिलता है। एंड लॉन्ग टर्म गेमिंग में भी चिपक के देखने के लिए मिलता है, वहां पर दिक्कत नहीं है। बट ये प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन है, जहां पर UFS 4.0 का
की सपोर्ट है जो स्टोरेज टाइप है एंड आपको LPDDR5X का जो है रैम टाइप देखने के लिए मिलता है 256 GB बेस है एंड यहाँ पर आपको UFS 2.2 एंड LPDDR4X रैम टाइप देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो पोको X6 प्रो है परफॉर्मेंस के मामले में, स्टोरेज टाइप एंड रैम टाइप के मामले में बहुत ज्यादा आगे है एंड ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहा है, थ्रॉटलिंग इशू नहीं है, हीटिंग इशू भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये रहा ओवरऑल कंपैरिजन दोनों के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 5000 का डिफरेंस है, जिनको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए 5000 लगा के डेफिनेटली पोको X6 प्रो लेना एंड अगर रेडमी नोट 13 प्रो से कंपेयर करोगे या 13 प्रो प्लस से कंपेयर करोगे तो मैं बोलूंगा पोको X6 प्रो बेटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो इन तीनों में से आपको पोको X6 प्रो लेना है, बाकी इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसका 20000 का बजट है वो डेफिनेटली इसको लेना, रेडमी नोट 13 मत लेना, इसे बाय कर लेना, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्लैगशिप के आसपास का डिस्प्ले मिल जाता है एंड बिल्ड क्वालिटी व्हाइट कलर का बहुत सही देखने के लिए मिल जाता है। मीडिया कंज्यूम करोगे तो ये अच्छा है एंड इसका जो प्रोसेसर है नॉर्मल डे टू डे टास्क में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, दिक्कत नहीं है, डिसेंट सी गेमिंग भी करवा के देता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर एंड और जो फीचर्स वगैरह वो सब कुछ भर के मिल जाते हैं। 20000 के हिसाब से भाई ये स्मार्टफोन बहुत सही है। इतना था इस वाले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको पसंद आई है भाई डेफिनेटली सपोर्ट करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।